रास्ता दिखा दे या खुदा। अबू मैं बस थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ, बस कुछ अरसा रुक जाए। मुल्ज़िम वासे को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुनाती है। इन्हें बता के नहीं, मेरी खुशी क्या मुझे कहाँ लेके जा रही है इमरान भाई? ये सब क्या हो रहा है? आप इन्हें रोक के नहीं रहे इमरान भाई? इमरान भाई बाइक पे बात तो करने दो यार। इमरान भाई आपने तो कहा था कि मैं एक बारिश जुर्म कर लूंगा तो रिहा हो जाऊंगा, ये तो लेके जा रहे हैं मुझे। हाँ खुद को संभालो, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। भाई बहुत फांसी की सजा हो गई है मुझे, मुझे नहीं मारे इमरान भाई, प्लीज बचा ले मुझे, मुझे बचा ले, मुझे मुझे बचा ले इमरान भाई, ये लेके जा रहे हैं मुझे, बचा ले, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, बचा ले मुझे। वाह अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी है, बाकी गरीब तो मुफ्त में मार दिया था उसको। बकवास मत करो, मैंने नहीं मारा था उसे। सजा मिलने से पहले हर मुजरिम यही कहता है, और कोई नई बात नहीं है हमारे लिए ये। और साहब जी रास्ता छोड़े, हमें इनको लेके जाना है, जो भी बातचीत आपको करनी हो ना तो जेल में आकर कीजिएगा। वो लेके चलो, लीजिए इमरान साहब, मैंने आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया। अभी मेरी खुशी अधूरी है शफीक मियां, पता है बड़े ही फिरौन है ये लोग, ये तो जब चाहे जिसे चाहे जलील करके रख दे। इंसान की इज्जत की वक्त इसके नजदीक दो कौड़ी की है, पर आज कुदरत ने इसकी जान की कीमत दो कौड़ी की भी नहीं रखी। इसकी चीखें सुनकर मेरा दिल बार बार कह रहा था, बाबू जिल्लत बड़ी जलील चीज है। अल्लाह की लाठी बे आवाज है। वैसे ये तो ज्यादती है, करे इंसान और नाम अल्लाह या किस्मत का। हाँ तो यार मैं कोई सीरियल किलर थोड़ी हूं, इसका रवैया तुम्हारे सामने है। ऐसे लोग अपनी मौत का खुद ही सामान होते हैं। अरे साहब दिल छोटा ना करें, घर जाएं, भाभी को बताएं, उन्हें समझाएं, तसल्ली दें। हाँ आइए। मुल्ज़िम वासे के इकरारे जुर्म की रोशनी में मुल्ज़िम वासे को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुनाती है। जज साहब ने जब फैसला सुनाया है ना तो उस शख्स की शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था जो फैसला सुनाया गया है वो उसकी उम्मीद से ही कोई बरक्स है। खुदा गारत करे उसे, वो क्या समझता था कि मेरे बेगुनाह जवान बेटे को मारकर कानून की ग्रिप से बच निकलेगा वो। अम्मी देखें डर तो मुझे यही था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल शख्स है वो, यकीनन अपनी पावर और रिसोर्सेज यूज करके उसने निकल जाना था। ऐसे कैसे बच जाता, हमने कोई कम मेहनत की थी क्या? उस कातिल को सजा दिलाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है, तभी जाके उसको सजा मिली है ना। तुक तो मुझे इस बात का है कि हमाद भाई ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत से ये कारोबार खड़ा किया, इतना पैसा बनाया। इतना दिल टूटता है मेरा, अफसोस होता है कि ये पैसा तो किसी के काम ही ना आया। हमाद भाई को जीते जी कोई सुख ना दे सका, और उनके जाने के बाद उनके प्यारों के भी कोई काम ना आया। तुम क्या समझती हो ये मालो दौलत मेरे बेटे की कमी पूरी कर देगी? अरे नहीं नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे दिल को तो इतना इत्मीनान हुआ है कि हमाद भाई का कातिल अपने कैफरे किरदार तक पहुंच चुका है, किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी,
उसे सजा जरूर मिलेगी। और जहां तक कारोबार की बात है तो हमने सोचा है कि हम अपनी मेहनत से और जो थोड़े बहुत हमार भाई के पैसे बचे उससे कारोबार दोबारा शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा, बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे हम इस कारोबार को, है ना सजा? तुम परेशान मत हो, सब कुछ तय हो चुका है, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द निकाल लूंगा। अदीला बाजी कहाँ? वो घर पर है, उसका बराबर फोन आ रहा था लेकिन मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की अभी। मुझे अदीला बाजी से मिलना है। हाँ हाँ वो आ जाएगी, पर्दा वर्दा तो करती नहीं हो? फिर मेरे केस की बात तो और सिर्फ आपके हाथ में क्यों दे रखी? यार खुद सोचो, जेल का माहौल, अदालतों का माहौल कितना बेरहम होता है एक इज्जतदार औरत के लिए। हाँ तुम क्या कहोगे कि इमरान भाई तो हमारी घर की इज्जत कचहरियों में ले आए? तुमने खुद ही कहा था ना कि हमारी खानदान की औरतों को कचहरी में जाने की इजाजत नहीं है। पहले कहा था मगर अब नहीं। अदीला बाजी को बुलाएं बस। देखो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मैं लगा हुआ हूं जल्द अज जल्द। तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तबीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे साहब आप गलत समझ रहे हैं। तूने मुझसे पारित दिन पर साइन करवाए थे ना? तूने कहा था ना कि मक्तूल के गुस्सा मुझे माफ करने पर राजी हो गए? तो फिर आज अपने बाप को मुझे सजा देने से क्यों नहीं रोका? क्यों गया तुम्हें वहां से? अपने हवासों में रहो, बेहेव योरसेल्फ। यही पागलपन तुम्हें यहां तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। एक कत्ल कम था कि तुम इसकी भी जान ले लो। शफीक भाई आई एम सॉरी, मैं बासे की तरफ से मैं माजरत खा हूं। इट्स ओके। क्या हो गया तुम्हें? मुझे मालूम है अदालत के फैसले ने तुम्हें खौफ ज्यादा किया है, लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं जो तुम्हारे हक में बेहतर है, सब कुछ। हाँ मेरी फांसी मेरे हक में बेहतर हो या ना हो, कुछ लोगों के लिए बेहतर है। हद हो गई, तुम इस हद तक भी सोच सकते हो? देर हो गई। कभी इंसान से देर हो जाती है। आप अदीला बाजी को बुलाएं बस। हाँ वो आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए बेतबारी है ना, उसने मुझे बहुत दुख दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद दिन रात काट रहा हूं मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। And you don't trust me? देखें जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उसका अच्छी तरह अंदाजा है मुझे, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको इस जेल की कैसे रिहाई मिल जाए। मतलब ये कि माफीनामा हासिल करने के लिए अदालत से सजा होना जरूरी थी, और जो सजा मुझे सुनाई गई है वो सजाए मौत है। सर वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अदालत ने आपको सजा दी है वो हतमी नहीं है और फौरन इंप्लीमेंट भी नहीं होगा सजा पे। अभी क्या होगा? सर इसके अलावा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम दोनों जगह अपील करेंगे और इस दौरान मकतूल के भाई से माफीनामे पे दस्तखत भी करवा लेंगे।
जब खून बहा पे वो दस्तखत कर देगा, वो अदालत में हम पेश करेंगे तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। सर यही बात तो हम समझा रहे हैं, आप हम पे भरोसा करें और तसल्ली रखें। भरोसा फिर से कायम करो। और अदीला बाजी पे लेकर हमारे पास। बिल्कुल सर मैं ले आऊंगा, लेकिन वो इस केस में क्या करेंगे? जितना कर उतना कर, मत भूल तेरी फीस मेरी कंपनी से जाती है और फांसी की सजा सुनाई गई है, दी नहीं है। मित्र गरीबन पकड़ा था ना, जाके मरहम लगाना और याद रखना शेर कैद में हो तब भी शेर ही रहता है। क्या मसला है? एक बार मेरा भाई बाहर आ जाए, मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। क्या हो गया शफीक? दिमाग खराब हो गया, मौत का खौफ सवार है। एक के दस बहने भी आ जाए ना, फिर भी नहीं बचा सकती उसे। वाले जुर्म कर चुका है वो, अब उसके घर वाले भी कभी माफ नहीं करेंगे। सजाए मौत मिली है उसको शफीक, मामूली से मामूली आदमी हाथ पैर मारता है, ये तो फिर वासे है जिसने अपना एम्पायर खुद खड़ा किया है, मीरास में नहीं मिला उसे। अगर अड़ियल ना होता ना तो खुदा की कसम कुछ भी करके बचा लेता, यूं मरने नहीं देता उसे। लेकिन अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि जल्लाद को हटा के ना खुद फांसी पे लटकाऊं उसे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। चलना। हेलो, इमरान से बात करवाओ। जी जी मैं बात करवा रही। सर मैडम आपसे बात करना चाहे। मैडम से कहना कि मैं ऑफिस से कॉल करता हूँ। मैडम सर कह रहे हैं थोड़ी देर बाद मैं कॉल करता हूँ। क्या बदतमीजी है ये, उनसे बोलो मुझे अभी फोन करें, अभी फौरन, और इसी वक्त बताएं कि मेरे भाई का फैसला क्या है। सर वो कह रहे हैं जरूरी बात। पर कह दिया ना ऑफिस से करता हूं, जल्दी आओ। फिलहाल आप इन्हें हाफ पेमेंट कर दीजिए, बाकी की नेक्स्ट पेमेंट अगले महीने देखेंगे। जी सर। थैंक यू। कुछ लम्हों को एंजॉय भी करने दिया करो। वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, इमरान साहब कहाँ हैं? इमरान सर तो चेयरमैन रूम में मैम। चेयरमैन रूम में कब से हैं? मैम जब से वासे सर अरेस्ट हुए हैं तब से इमरान सर उसी रूम में बैठते हैं। ओके। तुम लोग क्यों खड़े हो? चलो शाबाश, काम करो अपना, शाबाश। इमरान। दरअसल मैं घर आने ही वाला था, वो एक अर्जेंट काम के सिलसिले में मुझे ऑफिस आना पड़ गया।
इतना बिजी था मैं तुम्हारा फोन भी नहीं उठा पाया। चलो एनीवेज तुम किसी बहाने ऑफिस आ गई तो ऐसा करो कि जाओ जाके जरा अपनी कुर्सी पर तो बैठो। ये कुर्सी सिर्फ वासे की है और इस पे बैठने का हक भी सिर्फ उसी का है। अरे भाई जो उसका है वो तुम्हारा है, तुम उसकी इकलौती बहन हो, उससे अलग थोड़ी हो तुम। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। खुदा मेरे भाई को लंबी जिंदगी अता करे और ये सब उसे मुबारक। आमीन आमीन। आज कोर्ट में क्या हुआ, मुझे अपडेट्स चाहिए। तुम बैठो। बैठो मैं। अदीला मैं बहुत मुश्किल में हूं। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमको कैसे बताऊं, और यही वजह थी कि मैं तुम्हारा फोन भी नहीं उठा पाया, क्योंकि जो मैं कहूंगा उसे सुनना बहुत सब्र तलब है दीला। इनफ इमरान इनफ। मुझसे और पहेलियां मत भुजवाओ, सीधी सीधी बात करो। जज ने उसे फांसी की सजा दे दी। Sorry. अमित चाय नहीं पी अब तक? शादी के बाद 7 साल तबीर इंतजार किया था मैंने, तब जाकर हम्माद के आने से मेरी सूनी गोद हरी हुई थी। कभी सोचा नहीं था जिसको मैंने इतनी मन्नतों मुरादों से पाया सालिम की एक गोली निकल जाएगी उसे। मारते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा इसकी मां ने कितनी मुश्किल से जना होगा इसे। पाला होगा, बड़ा किया होगा, इसका घर होगा, घरवाली होगी, इसकी मां होगी, औलाद होगी, लेकिन काश काश मेरे हम्माद की एक बेटी होती। जो तुम्हारे लिए जवानी का आसरा बन जाती। हमास की औलाद नहीं तो क्या हुआ अम्मी? मां तो है। आपका बेटा नहीं लेकिन आपकी बेटी मौजूद है।
आपका सहारा बनूंगी अम्मी, आपको संभालूंगी। सच बताऊं ना तो जब जब आप मेरी नजरों के सामने होती है मुझे हम्मत भी कभी महसूस नहीं होती। तुम्हारा दिल तो वाकई सोने का है। अब समझ में आया हम्मत शादी के बाद क्यों बदल गया। तुमने सिर्फ एक अच्छी बीवी होने का सबूत नहीं दिया बल्कि वो फराइज भी पूरे किए जो मुझे करने चाहिए। हमने तो सिर्फ कोशिश की थी छोटी सी, तरबियत तो आप ही की है ना। और वैसे भी औलाद कुछ भी करना चाहे जब तक नहीं कर सकती जब तक माँ की दुआएं उसके साथ नहीं होती। जाने वाला तो लौट कर नहीं आ सकता बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। जिस तरह से तुम मेरी बेटी बन गई हो मैं भी तुम्हारी माँ बन सकूं। शफीक को बुलाओ, मिलना है मुझे उससे। शफीक से मिलकर क्या करना है तुम्हें? वासा के केस के सिलसिले में बात करनी है। मैं बता चुका हूं तुम्हें सब कुछ, तो उससे क्या बात करोगी तुम? मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अब्बासे के केस के सिलसिले में जो भी कार्रवाई होगी उसका बहनोई नहीं उसकी बहन खुद देखेगी। अब जो कुछ भी होगा वो मेरी नजरों के सामने। तुम्हारा ये रवैया बेहद शर्मिंदा कर रहा है मुझे जान। जेब नहीं देता, बिल्कुल जेब नहीं देता। मेरे भाई की सजाए मौत की खबर सुनाने के बाद तुम्हें कोई शिकवा जेब नहीं देता। I'm doing my best. Really? सजाए मौत की खबर तुमने मुझे सिसका सिसका के सुनाई। देखो कहा तो है तुम्हें काम। शफीक को बुलाओ अभी और इसी वक्त। देखो शफीक पूरा दिन कोर्ट में खच्चल खार होके थका हारा घर पहुंचा होगा। तुम ऐसा करो कि कल सुबह ऑफिस आ जाना, मैं शफीक को भी कह देता हूँ, ठीक है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है इमरान, कितनी दफा बोलूं? मुझे शफीक से मिलना है अभी और इसी वक्त। मेरे भाई से एक बाले जुर्म करवा के उसे सजाए मौत सुनवा के वो खुद घर में आराम से बैठा रहे। ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स। तुम ये जरा पानी का ग्लास पियो, मैं बुला रहा हूं उसे। तुम पानी तो पियो, मैं बात कर रहा हूं। क्या इसलिए तुम शहर के मशहूर नामी ग्रामी वकीलों में मशहूर हो? क्या इसी दिन के लिए हम हर साल तुम्हारी कंपनी को लंबी चौड़ी फीस देते हैं? I'm sorry, मैडम, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रही। तुम असली वकील हो ना, जाली डिग्री तो नहीं खरीदी थी? क्या इसी तरह अपने सब क्लाइंट्स के केस लड़ते हो? I understand your feelings, मैडम, but आप बिला वजह जज्बाती हो रही हैं। तुम्हारी वकालत की वजह से मेरे भाई को फांसी की सजा हुई और तुम्हें लगता है कि मैं बिला वजह जज्बाती हो रही हूं। अच्छा बताओ मुझे, कोई श्योरिटी है तुम्हारे पास कि मकतूल के वर्सा वासे को माफ कर देंगे?
है कोई श्योरिटी तुम्हारे पास? बताओ। वो मैडम मैं कोई मुश्किल काम नहीं है स्वीट हार्ट, वो दाल दलिया खाने वाले लोग हैं, मुझे पूरा यकीन है उन्हें खरीदना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तुम परेशान मत हो, हम पे छोड़ दो। किसी ने बात की है उनसे? आज ही तो फैसला हुआ है। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि उनका कॉन्फिडेंस इकबाल जुर्म से पहले लेना था। नहीं मैडम, मैंने पता करवाया है, कसास की रकम लेके उनके रिश्तेदार एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कल जैसे ही कोर्ट खुलेगा तुम सारे कानूनी तकाजे पूरे करोगे। राइट मैडम, राइट। और जहां तक मकतूल की फैमिली का ताल्लुक है ना, उनसे मैं खुद मिलूंगी। आप मुझे वासे के मेन अकाउंट की चेकबुक ला कर दें। जी मैम। चेकबुक का क्या करना है तुम्हें? मैं अभी वासे से मिलने जाऊंगी, चेकबुक पे साइन करवाऊंगी। रात होने वाली है, मुलाकात करने नहीं देंगे कोई। Anything else? No. Thank you. वैसे मैंने कहा है ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सच? कोई शक है? मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं आपका भाई हूं ना भाई, जिसने गुर्बत से लेकर जवानी और अमीरी तक का सफर आपके साथ है किया। ये सब कुछ जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। कुछ चाहिए मुझसे ले लें, आधा थोड़ा सारे का सारा, बहन बनकर मांग ले, सब कुछ दे दूंगा। किसी गैर के साथ मिलकर मुझे रासने का खौफ मत दें। इमरान भाई गैर है। तुम्हें लगता है कि मैं इमरान के साथ मिलकर तुम्हें फांसी चढ़ जाऊंगी? इससे पहले मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगी। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं जज से कहकर खुद तुम्हारी जगह यहां होती। और जहां तक तुमने इमरान के बारे में महसूस किया, मैंने भी यही महसूस किया। वैसे ये सारी मालो दौलत जायदाद मेरे भाई के सदके, बहन को सिर्फ उसकी जिंदगी चाहिए। तुम हौसला रखो, परेशान मत हो। मैं नहीं कर पा रहा हूं इसलिए। चलता है अगर मैं कुछ दिन और यहां अंदर रहा, उसी से पहले मेरा दिन निकल जाएगा। मेरी तुरे फिशा, मेरी बेटी यतीम हो जाएगी, लोग उसे कातिल की बेटी, मुजरिम की बेटी कहेंगे। फिर मरने के बाद तुरे फिशा और दुनिया के लिए अहम थान खड़ा हो जाएगा। हौसला करो, हौसला करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे कि मुझे कैसी अंधेरी खाई में धकेल दिया गया, जहां से मेरी वापसी मुमकिन नहीं है।
नहीं आ पाऊंगा मैं। इसे बस कर दो, इनफ। मैं और कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। साइन करो इस पे, साइन करो। अगर एतबार है तो सब कुछ आप ही का तो है। बहन से पूछ कुछ कैसी? मैं चाहूंगी चल दोस्त, इस लड़के की फैमिली से खुद मिलने जाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लैंक चेक उनके दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा करेगा और वो तुम्हें माफ करने पे राजी हो जाए। वैसे सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक औरत से खौफजदा हैं, वो भी उससे जो आपकी बीवी है। तुम्हारे लिए बहुत आसान है कहना, क्योंकि तुम उसको जानते नहीं हो। मैंने उस औरत के साथ 15 साल गुजारे हैं। अगर वो किसी बात पर अड़ जाए तो उसको जिद से हटाना बहुत मुश्किल है। और फिर वासे सिर्फ उसका भाई नहीं है, उसने उसको औलाद की तरह पाला है, उसको बचाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। खर दिमाग वासे के लिए ये तमाम बिजनेस प्रॉपर्टीज उस मकतूल के वर्सा को देने से गुरेज नहीं करेगी, चाहे फिर वो खुद सड़क पर ही क्यों ना आ जाए। करने दीजिए सर, जितनी कोशिशें हो सकती हैं करने दीजिए। उनकी कोशिशें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए मरीजों के रिश्तेदारों की होती है, जिन्हें पता होता है कि उसका बच जाना किसी मौजे से कम नहीं, लेकिन फिर भी वो आखिरी सांस तक कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह वो बच जाए। लेकिन नतीजा सिर्फ मौत की सूरत में ही निकलता है। ओ भाई, पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी सीधी तरह समझाओ क्या क्या कहना चाह रहे हो। हमारे पास अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन है। बस किसी तरह ये 10 दिन गुजार, चाहे अदीला मैडम जमीन और आसमान एक कर दें, आपने बिल्कुल नहीं हिलना। उसके बाद अदालत का फैसला कोई नहीं बदल सकता और उसे फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता। 10 दिन सर, सिर्फ 10 दिन। बेटा क्या हुआ, क्यों इधर उधर घूम रही हो? ऐसे ही वॉक कर रही थी अब्बा। ये इन जूतियों में वॉक कर रही? हाँ वो आपको नहीं लगता कोई कोई जीप की आवाज आई है? मैं देखूं? मैं देखता हूँ बेटे। क्या हुआ अदीला बाजी, क्या फैसला सुनाया जज ने? सजाए मौत। तुम मासूम, तुम दुआ करोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि खुदा तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, मेरी नजर में सब मशकूक है।
इमरान, पासे का वकील, मुझे किसी पे यकीन नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने भाई की मदद करूं। अदीला बाजी, आप प्लीज मुझे बताएं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा हुआ क्या है? मुझे उसके चेहरे पे वो फिक्र और परेशानी नजर नहीं आ रही जो इस वक्त एक मौसम के चेहरे पे होनी चाहिए। उसकी शक्ल का इत्मीनान और सुकून इस बात की गवाही देता है कि उसकी नियत में खोट है। मुझे लगता है जैसे वासे से इकबाले जुर्म करवाना उसकी प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि उसे जल्द अज जल्द सजा हो और वो मेरे शोहर की हैसियत से सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का मालिक बच जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से तुमसे मदद मांगू। हमारी तरफ से तुम्हें सिर्फ तकलीफें और अजाब मिला तुरिया, लेकिन अगर तुम पुरानी बातें भूल कर अपनी बेटी के बाप की हैसियत से वासे की मदद करो, अगर इस वक्त तुम मेरा साथ दोगी ना तो मुझ पे हिम्मत आएगी, वरना मुझ अकेली औरत के लिए इन मर्दों से लड़ना बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी, पर आप परेशान मत हो, हम वासे को इन लोगों के रहमो करम पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। रास्ता दिखा दे या खुदा।